सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस, आज सुबह सुबह से मैं उठा था और उसके बाद गाइस सीधा आ गया था, मतलब खाना खाया थोड़ा और सीधा आ गया था दूसरा घर, क्योंकि गाइस इस तरफ ना जेसीबी चढ़ने वाला है जो कि हमारे घर तरफ का है, तो बराबर करने के लिए जहाँ पर हमारा मेन आंगन जो है वो बन सके, इसलिए तो गाइस मेरे को आना पड़ा, इसलिए क्योंकि गिट्टी जो है उसको साफ करना है। और गाइस कल मैं गया था दो जगह कलकत्ता मूर्ति, एक जगह का गया था कि थाना ग्राउंड, एक जगह थाना ग्राउंड का गया था तो वहाँ भी जो कपड़ा नहीं पहने थे तो अर्धव्यवस्था में थे उन लोग, जो जितने भी मूर्ति बनाए थे उन सबको अर्धव्यवस्था में रखा गया था, इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं लिया है ना। और उस तरफ भी गया था, महाशक्ति चौक का भी दिखाया हूँ है ना, उसके बाद फिर महाशक्ति चौक का दिखाया हूँ, तो वहाँ का भी जितने भी मूर्ति बने हैं है ना, जितना भी है वो मूर्ति, वो सब भी अर्धव्यवस्था में थे, तो मैं नहीं बनाया फिर वहाँ का। गाइस जैसे कि मैं वहाँ से बात करके आया ना कि कितने टाइम से बन जाएगा करके, तो फिर उन लोग बोले कि आज साड़ी बहुत सारी, मतलब दुर्गा माता जितने भी हैं वो सब पहन लेंगे है ना, मतलब पहना देंगे, तो फिर जाऊंगा गाइस बनाने के लिए। लेकिन आज गाइस मैं जाऊंगा हमारा जो स्टेशन पास का है वहाँ पास का जाऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा कि एक कहाँ कहाँ का मूर्ति है। और गाइस साथ ही साथ मैं वहाँ की कोई आदमी से बात करके देखूँगा, अगर नंबर दे तो ठीक है, नंबर आपको यहाँ पर शो कर दूँगा यहाँ पर, तो आप भी उनसे मूर्ति बनवा सकते हो। गाइस वहाँ भी बार गया था तो नंबर देने से मना कर दिए थे, इसलिए नंबर नहीं डाला था मैं। बाकी गाइस हमारा जो जगत जननी माता जो होता है, जो हर बार बैठता है सोसाइटी के पास, करगिल और कोटा में सोसाइटी के पास बैठता है ना, वहाँ पास का हर बार मतलब जो बैठता है वो बगल से ही रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा रहता है। लेकिन गाइस इस बार बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो फिर इस बार जाता हूँ मैं और आप सबको दिखाता हूँ गाइस। लेकिन यहाँ का काम पहले मुझे फिनिश करना होगा है ना, काम क्या क्या है वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन गाइस वहाँ वीडियो में ज़रूर बने रहना, तब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ से काम ख़त्म होने के बाद ही मैं जाऊँगा। बाकी गाइस ये वीडियो आप कल देख रहे हो है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गाइस मैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते रहता हूँ। बस गाइस मुझे देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कई लोगों का कमेंट आता है मुझे कि सिर्फ नाइस करके दिल भेजते हो है ना, बढ़िया करते हो, अच्छा है। गाइस मुझे यार कहीं बस का, जैसे कि कुछ बनाने का, जैसे कि कहीं जाके ब्लॉग बनाने का भी कॉमेंट अगर मिलता है ना, तो उससे क्या रहेगा कि मैं अपनी मम्मी को बोल सकूँगा कि मुझे यहाँ जाके वीडियो बनाना है करके, तो उस हिसाब से मुझे भी मौका मिल जाएगा वहाँ जाने का वीडियो बनाने का। तो गाइस आप लोग ये कमेंट करना कि इस जगह का आपको वीडियो चाहिए, इस हिसाब से मैं भी जा पाऊँगा वहाँ, आपका जो डिमांड रहेगा वो पूरा कर पाऊँगा है ना। और साथ ही साथ गाइस मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसमें गाइस डेली लाइफ में क्या क्या होता है वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ घूमने आ रहा हूँ, इसी चीज़ का मैं व्लॉग बनाता हूँ। और आपके डिमांडेड ऊपर, जैसे कोई त्यौहार आता है, जैसे कोई फेस्टिवल आता है, उसके ऊपर भी मैं व्लॉग बनाता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आता हो गाइस तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें गाइस। साथ ही साथ जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा गाइस। ज्वाइन मेरे साथ ज्वाइन रहोगे गाइस तो आपके सारे जो डिमांड्स रहेंगे वो पूरे होंगे। आप कहीं बस बस्तर का ब्लॉग चाहोगे या फिर आप चाहोगे कहीं और का, ओके गाइस। तो फिलहाल काम क्या है मैं दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो सारे सामने पेड़ काट दिए हैं पापा कल के, और ये जो गिट्टी है ना गाइस यहाँ पर, इस सारे गिट्टी को मेरे को उठा के यहाँ से इधर करना है, और ये जो रेती है इस रेती को भी मुझे साइड करना है, जो कि ये वाला रेती को है ना, ये रेती को भी साइड करना है, वो रेती को। लेकिन गाइस आराम से करेंगे, मैं तो कर नहीं सकता, ही पूरा जितना मेरे से होता है गाइस उतना पूरा रेती करूँगा, पहले इसको करूँगा फिर रेती करूँगा। और गाइस ये वाला जगह खनाने वाला है जो हमारा मेन आंगन बनने वाला है, क्योंकि इधर से पूरा ऐसे घिरेगा ना,
तो यहाँ हमारा उधर से 20 से एक रास्ता रहेगा हमारा मेन रास्ता, और ये हिस्सा पूरा पटाएगा गाइस। ये जो हिस्सा है पूरा, यही हिस्सा जो है पूरा हमारा आंगन बनने वाला है पूरा ऊपर तक उधर ऐसे। और गाइस उस तरफ भी घर बनने वाला है, मैंने दिखाया था है ना, तो उधर भी घर बनने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम में बनेगा। सो फिलहाल गाइस काम पूरा करता हूँ फिर घर जाता हूँ, और घर जाने के बाद गाइस सीधा आप लोगों को मैं डायरेक्टली मिलूँगा कलकत्ता मूर्ति में। चलो गाइस तो फिलहाल मैं काम कर लूँ और सीधा मिलता हूँ कलकत्ता मूर्ति में। तो गाइस ये पहुँच गए हैं कलकत्ता मूर्ति और अंदर जा रहे हैं, देखते हैं पहले कि कितना सारा कलकत्ता मूर्ति में जो बने हैं दुर्गा माता की मूर्ति। चलो गाइस फिलहाल दिखाता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि कौन सा में कपड़ा पहना चुके हैं गाइस, फिर दिखा। फिलहाल मैं हूँ अंदर में और अर्धव्यस्थ में जो है साड़ी उड़ी बहुत सी दुर्गा माता हमारे जो है पहने नहीं हैं, तो उनको भी नहीं दिखा रहा हूँ है ना, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपमान होगा गाइस हमारे देवी देवताओं का, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी ये जो हमारे दुर्गा माता हैं उनमें पूरा साड़ी पहना दिया गया है जो कि मिट्टी से ही बना है, इसीलिए सिर्फ ये वाला दिखा रहा हूँ। सो गाइस बस इतना ही बना है अभी, और साड़ी पहने हैं कुछ तो बस उतना ही बना है, आगे जितना बनेगा उतना पूरा दिखाऊंगा। तो माता रानी का चरण दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि इतने ही साड़ी पहने हैं तो, और ऊपर जो है अभी अर्धव्यस्था में है तो नहीं दिखा रहा हूँ, और इसके बाद कल तक शायद तक से पूरा हो जाएगा, कल या परसों तक, तो फिर दिखाने के लिए फिर लाऊंगा। सो फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सब जितने भी हैं वो अर्धव्यस्था में हैं, जितना दिखाया गया इस बस उतना ही बना है। सो फिलहाल मैं बाहर का भी बन रहा है उसको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो भी अर्धव्यवस्था में। सो गाइस तो यहाँ से भी मैं अभी घर जा रहा हूँ, और यहाँ भी आया था तो अर्धव्यवस्था में थे इसलिए नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत बनाया हूँ। सो घर जा रहा हूँ यहाँ से, और कल आऊँगा गाइस, कल बहुत बेहतरीन लूँगा यहाँ का पूरा वीडियो। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करूँगा गाइस, आई होप गाइस तो ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।